हजारीबाग का बिहारी कन्या उच्च विद्यालय हुनर वाला विद्यालय कहा जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाली किशोरियों को यह विद्यालय शिक्षा के साथ साथ एक हुनर भी दे रहा, जिससे आपको भविष्य में अपना खुद का व्यवसाय करने की आजादी हो जाती है। कला के क्षेत्र में हुनर को चुनने से एक फायदा यह भी होता है कि आप अपने अंदर के छिपे कलाकार को जान जाते हैं। इससे आपका मन उस हुनर को जानने समझने लगता है। मनपसंद कार्य को रोजगार बनाना हमेशा फायदेमंद रहता है। स्कूल की प्रधानाध्यापिका रूपा वर्मा बताती हैं, उनके स्कूल की ये छात्राएं बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं। सरकार द्वारा लगभग मुफ्त शिक्षा के बावजूद इनके मन में हमेशा एक सवाल होता था कि स्कूल के बाद वो अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में उनको ये विचार आया कि क्यों ना इन्हें शिक्षा के साथ साथ हुनरमंद भी बनाया जाए। इस विद्यालय में जिले का विख्यात कोहबर और सोहराय कला को सिखाया जाता है। सिलाई कढ़ाई के अलावे टेराकोटा के इस्तेमाल से जेवर, खिलौने का निर्माण, वेस्ट मटेरियल से कलाकारी समेत कई रोजगार परक हुनर का प्रशिक्षण प्रशिक्षित लोगों द्वारा दिया जाता है। छात्राएं प्रशिक्षण लेकर रोजगार से भी जुड़ रही हैं और पढ़ाई के साथ साथ कुछ धनोपार्जन भी करने लगी हैं। इनके द्वारा बनाए गए खिलौने और जूट के थैले और फाइल काफी पसंद किए जा रहे हैं। इनके बनाए उत्पाद कई प्रदर्शनी का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रशिक्षण पूर्णतः निशुल्क है और इनके प्रशिक्षण की सारी व्यवस्था प्रधानाध्यापिका अपने स्तर से करती हैं। शिक्षा के साथ साथ हुनर देने वाले इस विद्यालय को लोग इसी कारण हुनर वाला विद्यालय कहने लगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसे एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।